तो दोस्तों लाइफ में हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किताबें आपको ज्ञान देती है, हमारी जो प्रकृति है वो भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप प्रकृति से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिलते रहे। मैं हूँ गुरप्रीत सिंह, मैं हूँ एक लाइफ कोच, और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रकृति में हमेशा बदलाव आता रहता है, जो पेड़ पौधे हैं वो हमें यही बदलाव सिखाते हैं। जैसे ही सीजन, जैसे ही ऋतु बदलती है, वैसे ही जो पेड़ों के पत्ते हैं वो हरे से भूरे रंग के होने जाते हैं। पेड़ इसे बिल्कुल नहीं रोकते, वो इसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते, वो इससे बिल्कुल लड़ते नहीं हैं, वो प्रकृति की जो बदलाव आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करते। इसलिए दोस्तों हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियाँ आती है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन होना है। जैसे प्रॉब्लम्स आई है वैसे ही अच्छे दिन भी जरूर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सागर हमें एकता की सबसे बड़ी मिसाल सिखाता है। जो एक सागर है वो एक एक बूंद से बना हुआ है, वैसे ही दोस्तों जितने भी मानव जाति है इस देश में, जितने भी लोग हैं इस विश्व में, वो सारे मिलकर ही इस विश्व को बनाते हैं। हर एक की अपनी इम्पॉर्टेंस है, हर एक की अपनी ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों किसी भी दूसरे मनुष्य को अपने से छोटा मत समझिए। हर एक एक दूसरे का सपोर्ट चाहता है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, और हम मिलकर ही इस पृथ्वी पे खुशहाली से जी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पक्षी हमें सिखाते हैं कि आप डर के बिना कैसे जी सकते हो। दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा समय आता है जब हम कुछ नई चीज़ शुरुआत करने से बहुत डरते हैं। तो एक पक्षी का बच्चा भी जब बहुत छोटा होता है, एक चिड़िया बहुत छोटी होती है, उसे पहली बार उड़ान भरनी होती है, पहली बार उसे उड़ना होता है, उसे बहुत मुश्किल होती है। पर तो जैसे ही उसे उड़ना आता है वो आसमान से बिल्कुल भी नीचे उतरना नहीं चाहती। इसलिए कुछ नया करने से पहले आपके अंदर डर ज़रूर आएगा, उस डर के आगे बढ़ के ही आप ऊंचाई की सफलताओं तक पहुंच सकते हैं, आप अपने विंग्स को तलाश कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों पक्षियों से आप ऊंचा उड़ना सीखिए। तो दोस्तों पालतू जानवर हमें ये सिखाते हैं कि कैसे आप किसी को प्यार दे सकते हो बिना एक्सपेक्ट किए प्यार रिटर्न में। जैसे आपके पास एक पालतू कुत्ता हो, आप उन्हें कितना भी धुतकारे, कितना भी आप उस पर चिल्लाए, कितना भी बरसे, पर आखिर में वो आपके पास ही आएगा अपनी पूँछ हिलाते हुए, अपनी दुम हिलाते हुए। तो उनके अंदर जो प्यार की भावना है कि हर एक को प्यार देना है, प्यार एक्सेप्ट करना है दोस्तों, तो ये हमें पालतू जानवर सिखाते हैं। दोस्तों बादल भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे माइंड के अंदर हमेशा बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जहाँ पे हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, हम अपनी असल की शक्ति को खो देते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ करने के लायक नहीं है। तो वैसे ही जब आकाश बादल से घिर जाता है तो उस समय सूरज ढक जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज चमक नहीं रहा दोस्तों, सिर्फ वो बादलों के पीछे छुप गया है। जैसे ये बादल हटेंगे वैसे ही आपका सूरज चमकेगा। इसलिए दोस्तों आपकी थॉट्स, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको अभी रोक रही होगी कुछ अचीव करने के लिए, पर जैसे ही ये थॉट्स हटेगी वैसे ही आपका प्रकाश, वैसे ही आपका सूरज आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप आसमान की तरफ रात को देखते हो तो आपको बहुत सारा अंधेरा दिखता है, पर आपको उसमें कुछ तारे भी दिखते हैं जो हल्के हल्के टिमटिमा रहे होते हैं। तो दोस्तों वैसे आपकी लाइफ में चाहे 10 चीज़ें खराब हो रही हो, 10 परेशानियां हो, 10 मुसीबतें आई हो, पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी होती है, जिसके लिए आपको वैल्यू करना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कभी भी आपकी लाइफ में हर चीज़ खराब नहीं होगी, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है उसके लिए ज़रूर शुक्रगुजार रहिए दोस्तों। तो दोस्तों जंगल में जितने भी जानवर हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो मोर हो, उनकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग महत्वता है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। तो आपके अंदर भी अलग अलग टाइप के गुण हैं, अलग अलग टाइप की क्षमता है, इसलिए अपने आप को किसी दूसरे से आप कम मत समझिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर नहीं होगी, जो दूसरे के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, पर आप एक यूनिक इंसान है दोस्तों। तो दोस्तों सुबह के टाइम में सूर्य उदय और शाम के टाइम में सूर्यास्त हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में अलग अलग तरह के दिन आते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है। यह ही आप सीख सकते हो सूर्य उदय और सूर्यास्त से। तो दोस्तों एक छोटा सा बीज जब हम मिट्टी में दबाते हैं वो अंकुरित होता है, उसे बहुत समय लगता है एक बहुत बड़ा प्लांट या झाड़ बनने के लिए। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि लाइफ में जब भी आप मेहनत करते हो, जब भी आप अपना परिश्रम करते हो, उसका रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। यह आप सीख सकते हो एक छोटे से पौधे से। तो दोस्तों प्रकृति में जब एक बहुत बड़ी आपदा जैसे कि बाढ़ आती है तो हमें यह पता चलता है कि प्रकृति में बहुत सारा इम्बैलेंस हो चुका है वहाँ पर। तो जैसे ही हमारी लाइफ में भी कभी बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कुछ है हमारी लाइफ में जहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, जहाँ पे कहाँ ना कहाँ इम्बैलेंस हुआ है। तो हमें यह जान के उस टाइम पे उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों गुलाब जैसे सुंदर फूल जिनके अंदर बहुत महक होती है, वो अपनी महक को अपने तक सीमित नहीं रखते, वो हर एक बंदे को अपनी महक फैलाते हैं, ये नहीं सोचते कि वो उसका दोस्त है या वो उसका दुश्मन है। वैसे ही आपके अंदर जो अच्छाई है, आपके अंदर जो गुण है, आप वो दूसरों के साथ बांटिए ताकि दूसरे लोग आपका लाभ उठा सके। तो दोस्तों बदलता हुआ मौसम हमें ये सिखाता है कि लाइफ में कभी भी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के बिना हो सकती है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है, आपको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। इसलिए जैसे मौसम बदलता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी किसी जगहों पर बहुत बर्फ़ गिरती है, तो हमें एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ में जब कुछ तकलीफ़ें आए और उन्हें सॉल्व करने का एक तरीका निकालना है हमें। तो दोस्तों प्रकृति में जाके बैठिए, कुछ समय दीजिए और ज़रूर सीखिए कि प्रकृति आपको क्या सिखाती है, और अपनी लाइफ में इन वैल्यूज़ को ज़रूर लेके आइए। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में। लाइफ कोचिंग।